मेरठ के उलेमा मस्जिदों के इमामों, सियासी लीडरों, वकीलों और शहर के बुद्धिजीवियों की एहतियाती गाइडलाइन के साथ हुकूमत धार्मिक स्थलों से संबंधित फैसले पर पुनर्विचार की अपील। तमाम उलेमा और इमाम और शहर के जिम्मेदार कल 12 अप्रैल 2021 को सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देंगे। खदीजा मस्जिद करीम नगर हापुर रोड मेरठ में खतीब मेरठ मौलाना कारी शफीकुर रहमान कासिमी की अध्यक्षता में चल रही मीटिंग में जिम्मेदारों ने कोरोना से संबंधित गवर्नमेंट की मौजूदा गाइडलाइन पर विचार करते हुए कहा कि पार्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों, दुकानों को खोलने और पंचायत चुनाव के आयोजन की चंद शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। सिनेमाघर, शराबखाने और शादी समारोह भी चल रहे हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों को बंद करने को कहा गया है। कारी शफीकुर रहमान कासमी ने कहा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पाने के लिए हुकूमत जो एहतियाती कदम उठा रही है, हम उसकी ताईद और सराहना करते हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की फिक्रमंदी पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। पहले से हिफाजती बंदोबस्त प्रदेशवासियों के लिए जरूरी और फायदेमंद है, लेकिन धार्मिक स्थलों को लोगों के लिए बंद करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि रमजान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक बहुत मुकद्दस व पवित्र और ईश्वर से मांगने का सबसे बेहतरीन महीना है। पिछला रमजान भी हमने घरों में गुजार दिया, अब इस बार भी यही हो रहा है। लोगों को धार्मिक स्थलों को बंद करने से बहुत परेशानी है, इसलिए हम मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जिस तरह मार्केट, शराबखाने, सिनेमाघर, अन्य स्थान खुले हैं, इस तरह धार्मिक स्थलों, खास तौर पर मस्जिद को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज व तरावी की अनुमति देने की कृपा करें। और मुसलमानों से अपील है कि वे इस बीमारी को बीमारी समझें और हुकूमती गाइडलाइंस का जरूर पालन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस खतरनाक वबा को हमसे जल्द से जल्द दूर फरमाएं। मीटिंग में मुख्य रूप से मुफ्ती हसन कासमी, इमाम मस्जिद, फैज आम इंटर कॉलेज, रियासत एडवोकेट जीएम मुस्तफा, सदर जमीयत उलेमा ए हिंद जिला मेरठ, रफीक अंसारी शाह विधायक शहर मेरठ, मौलाना अरिजुद्दीन आनंद सबजवारी आदि मौजूद रहे और अपना विचार रखे। और इसके अलावा कई उलेमा शरीक रहे। संचालन काजी हसन कासमी, काजी शरीयत मेरठ ने किया। आखिर में प्रोग्राम के संयोजक कारी अफ़ान कासमी ने ऐलान किया कि हम मुख्यमंत्री के नाम कल 11 बजे सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देंगे। आप शहर के उलमा, आइम्मा ए मसाजिद और जिम्मेदारान इन हजरात की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर हमारे जो सीएम साहब की तरफ से जो ऑर्डर आया है कि मस्जिदों के अंदर 5 आदमियों की नमाज पढ़ने की पाबंदी लगा दी गई है। 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे, इसके अलावा मस्जिद में नमाजी इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इस सिलसिले में मीटिंग थी जिसमें यह तय हुआ है कि कल 11 बजे डीएम साहब से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। इस मेमोरेंडम में इस बात का मुतालबा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और मास्क के साथ साथ मस्जिदों के अंदर नमाजियों की तादाद को बढ़ाया जाए और इसकी इजाजत दे दी जाए कि मस्जिद में नमाजी नमाज पढ़ें, किस तरह अब तक उनसे चले आ रहे हैं। तो ये तय हुआ है अभी इस मीटिंग के अंदर कि इन हालात में बहुत जगह पर कहीं मेले चल रहे हैं, बाजार और मार्केटें खुली हुई हैं, हर जगह पर रात दिन बराबर वहां पूरी भीड़ इकट्ठा रहती है। मार्केटों में भीड़ इकट्ठा है, मंडियों में भीड़ इकट्ठा है, मेले चल रहा है, नुमाइशें हो रही हैं। कहीं किसी जगह पर न सोशल डिस्टेंसिंग है, न मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां किसी तरह से कोई कोरोना नहीं हो रहा किसी को भी। बहुत सारे स्टेट के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को पेश नहीं आ रही। तो खाली इबादत गाहों के लिए ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है कि इबादत गाहों के अंदर 5 आदमी नमाज पढ़ेंगे। ये इबादत करने की जगह जो है ये तो आदमी पाक साफ होकर यहां पर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारे में सबसे ज्यादा पाक पवित्र होकर आता है, हर तरह के निजाम को इसका जो है फॉलो करता है।
तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल के साथ में अगर लोग इकट्ठा होकर ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। रमजान का मुबारक महीना मुसलमानों के लिए बड़ा मुकद्दस महीना है, और ये महीना इस तरह से मुसलमानों को मस्जिदों से दूर कर दिया जाए तो ये मुसलमानों के साथ जुल्म होगा, ज्यादती होगी। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस सिलसिले में जरा सा गौर कीजिए और मुसलमानों को इसकी रियायत दीजिए कि मस्जिदों में नमाजें पढ़ सकें।